दोस्तों बात करने वाले एनएचपीसी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, एनएचपीसी के अंदर आज फिर से हमें वोलेटिलिटी देखने को मिली है। एंड अगेन स्टॉक दोस्तों नई 3% के आसपास करेक्शन में गया, और यहाँ पे करेक्शन के अंदर स्टॉक की जो मतलब क्लोजिंग है वो हमें देखने को मिल रही है। देखो भाई, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखिए धीरे धीरे ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करता हुआ अप ट्रेंड में ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं कि ताबड़तोड़ रिटर्न यहाँ पे दिखेगा। एंड दोस्तों ब्रोकरेज चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए एक अच्छे टारगेट अभी के टाइम आए हैं, वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले डाटा हम यहाँ पे समझेंगे। देखो ब्रोकरेज अभी के टाइम बुलिश है एंड हमें चीजें समझना चाहिए। देखो दोस्तों, कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे दोस्तों अब जो कंपनी प्लांट लगा रही है, टोटली रिन्यूएबल एनर्जी थर्मल पावर वगैरह के प्लांट्स यहाँ पे कंपनी डेवलप कर रही है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म वालों को तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। अभी के टाइम देखो मार्केट कैप को भी थोड़ा समझो कि कितना मार्केट कैप है कंपनी का। तो दोस्तों मार्केट कैप की बात करें तो अभी के टाइम दोस्तों 92,000 के आसपास कंपनी का मार्केट कैप ट्रेड कर रहा है। एंड डेफिनेटली दोस्तों ये मार्केट कैप 1 लाख को पार कर गया था, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो गिरावट थी इसने यहाँ पे वॉलिटिलिटी पैदा करी है। तो अभी के टाइम दोस्तों डाटा अगर देखा, हर गिरावट में दोस्तों एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए डाटा समझे दोस्तों, आज हमें अराउंड 8.5 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली। देखो डे बाय डे आप देखेंगे तो वॉल्यूम धीरे धीरे दोस्तों घटती हुई देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि दोस्तों गिरावट होती है, माल बेचा नहीं जाता, होल्ड किया जाता है। टोटली यहाँ पे जो ये बिकवाली है ये रिटेल की तरफ से भी टाइम हमें आते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई हाल ही के अंदर स्टॉक ने लगभग यहाँ पे बड़ा रिटर्न दिया है। तो लोग जो लोग प्रॉफिट में थे वो दोस्तों गिरावट में पैनिक होकर एग्जिट भी करते हैं। अब डाटा देखा जाए दोस्तों, करंटली एमओ कोई बड़ा पॉजिटिव नहीं है, बट यहाँ पे देखा जाए तो हमें 50,000 शेयरों के आसपास की एक अच्छा एमओबी के टाइम देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों स्टॉक ज्यादा नहीं गिरेगा, पी बहुत कम है, एंड यहाँ से पी के अकॉर्डिंग वैल्यू बाइंग हमें देखने को मिलेगी बॉटम के अंदर। जैसा कि मैंने हाल ही में देखा था पहली गिरावट थी, गिरावट के बाद स्टॉक ने अच्छा रिवर्सल यहाँ पे दिया था, क्योंकि वो बॉटम पर वैल्यू बाइंग आती हुई देखने को मिले थे। करंटली आप देखेंगे आज 40% माल यहाँ पे खरीदा गया है। एवरेज अगर देखा जाए किसी भी गलत स्टॉक को अगर आपको जज करना हो तो उसकी डिलीवरी पे थोड़ा फोकस कर रहा है। डिलीवरी स्टॉक की 20+ कभी भी नहीं ऊपर ऊपर नहीं जाती है। एंड एवरेज एक अच्छा स्टॉक जो की जबरदस्त है, जो की शानदार, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इसे दोनों वोलेटिलिटी कम करेगा एंड तेजी दिखाता है। उसकी डिलीवरी आप देखना, आपको हमेशा 60% की डिलीवरी दिखेगी। एवरेज जो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा हो उसकी डिलीवरी देखना 50 एंड 30 इनके बीच नजर आती हुई देखने को मिलेगी। करंटली जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें एनएचपीसी की देखने को मिल रही है। एंड आज दोस्तों 277 शेयरों की डिलीवरी थी 3 बजे तक का ये डाटा, और देखा जाए दोस्तों तो 3 करोड़ के आसपास की डिलीवरी हमें नजर आई। अगर हम इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखें तो कम से कम भाई 280 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आज एनएचपीसी स्टॉक के अंदर हमें आता हुआ देखने को मिला। अब ये दोस्तों जो गिरावट हो रही है करंटली ये किन लोगों को पैनिक करेगी? रिटेल को पैनिक करेगी। सबसे बड़ी चीज जो मार्केट में बिगिनर है, खासकर जो नए आए, उनको पता नहीं भाई वो देखो छोटी सी 2-5% की गिरावट में पैनिक होकर निकल जाते हैं। देखो आपको अगर अभी के टाइम बाई करना, आपको पैसे सीखना पड़ेगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऐसा नहीं कि आपने खरीदा एंड स्टॉक भाग करेगा। थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी दिखाएगा, उसके बाद ही तेजी दिखाएगा। तो कंसोलिडेट तो हर एक स्टॉक करता है, बट मेन चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रिटर्न लेने लायक हो या आप नहीं हो, क्योंकि अगर आप पेशेंस रखोगे डेफिनेटली आप रिटर्न लेके जाओगे। हमेशा देख रहे कोई भी स्टॉक अगर तेजी दिखा रहा है तो टॉप पे दोस्तों अराउंड यहाँ पे 10% लोग ऐसे होते हैं जो रुकते हैं एंड वो एवरेजन करते हैं, क्योंकि भाई मार्केट में कम्युनिटी हमेशा गलत साइड में जाती है। कम्युनिटी गलत साइड में जाती है, कम्युनिटी के उल्टा चलना। जब तेजी आए दोस्तों तो हमें बेचना है, खरीदना नहीं है। हमें खरीदना है जब गिरावट हो, स्टॉक कंसोलिडेट करे, तभी हमें माल खरीद के रखना है, ठीक है ना। हमें तेजी में नहीं खरीदना। तेजी में क्यों खरीदे भाई? तेजी में तो बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उनके स्टॉक को हम यहाँ पे लेंगे तो यहाँ से तो ये गिरेगा एंड फिर अपन यहाँ पे खरीदे अपन लॉस में चले जाएंगे। तो हमें पहले से यहाँ पे ही खरीदना ताकि हम यहाँ पे बेचें, ठीक है। तो अभी के टाइम देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शानदार मौका देखने को मिल रहा है। डाटा स्टॉक का जबरदस्त एंड अभी के टाइम पेनिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा। 91 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है करंटली। यहाँ पे आप देखिए स्टॉक की बुक वैल्यू 638 के आसपास की बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू सही है 2 गुना भी होता है डेफिनेटली यहाँ पे दोस्तों स्टॉक की रियल वैल्यू अगर देखा जाए तो 80+ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब मेन चीज यहाँ पे देखो जो पी है 24 का पी ट्रेड कर रहा है, इंडस्ट्री जो पी है उससे कम ही है यहाँ पे। अगर हम देखें स्टॉक के चार्ट पैटर्न तो चार्ट पैटर्न देख लो कितने मजबूत चार्ट पैटर्न है। ये यहाँ से एक ताबड़तोड़ रिटर्न था इसलिए ये गिरा है, पेनी गिराउट एंड अगेन वैल्यू बाइंग हमें नजर आई है। एंड अभी के टाइम दोस्तों देखो कंपनी ज्यादा यहाँ पे ऐसा नहीं कि ज्यादा कंपनी खराब है। देखो अगर कंपनी की हम दोस्तों डिविडेंड की बात करें तो कंपनी भाई 50% का डिविडेंड पे करती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो डाटा जबरदस्त है, पैनिक ना हो एंड थोड़ा सा फनी है। आरएसआई 54 का चल रहा है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा बट बाउंस जरूर करेगा। देखो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि देखो यहाँ से अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये धमाका करेगा तो ये नहीं करेगा, उल्टा यहाँ से दोस्तों ये थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी दिखाया। चार्ट पैटर्न कैसे बनेंगे? देखो तेजी आई, गिरा,
उठा, फिर से गिरेगा, फिर से उठेगा, फिर से गिरेगा, फिर से उठेगा, एंड ऐसे ये कंसोलिडेट करता हुआ वापस से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम वही लोग यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं जो मार्केट में नहीं है, जिनको पता नहीं। एंड यहाँ पे दोस्तों चार्ट पैटर्न आपके स्टॉक है ऐसे ही बनते हुए देखने को मिले, धीरे धीरे ऊपर जाएगा यहाँ पे। तो पैसेस रखे, रिटर्न डेफिनेटली यहाँ से बनेगा, एक अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट का मौका अभी के टाइम बन रहा है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन ताकि अपडेट्स